हेलो, आज का वीडियो में कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। तो देखो, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो ध्यान में रखना है आपको, जाइलम और फ्लोएम यही दोनों ऐसे टिश्यू हैं जिसको कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में रखा गया है, चूंकि दोनों मिल करके वाटर एंड फूड का रेस्पेक्टिवली कंडक्शन करता है। इस कारण से इसको हम वास्कुलर टिश्यू भी बोलेंगे, इसको हम वास्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानेंगे। या तो चूंकि कंडक्शन में मदद करता है, फूड मटेरियल या वाटर के कंडक्शन में मदद करता है, इस कारण से इसको हम कंडक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानेंगे, कंडक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानेंगे। अब ध्यान देना है कि इस कंडक्टिव टिश्यू में कौन कौन पार्ट आ रहा है, कौन कौन से टिश्यू आ रहे हैं। तो दो टिश्यू आते हैं जिसमें एक का नाम होता है जाइलम और दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। ओके, तो यहाँ पे दोनों के लिए ध्यान में रखना है कि जाइलम हो या तो फ्लोएम हो, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। जैसे आपने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यू में कि उनके जितने भी सेल्स होते थे सिमिलर टाइप के होते थे, जैसे पैरेन्काइमा में जितने भी सेल्स थे पैरेन्काइमेटर टिश्यू का सभी सिमिलर टाइप के थे, ठीक है, तो उसको होमोजीनस नेचर का बोलते थे। चूंकि ये भी डिफरेंट टाइप के सेल्स के मिलने से बने हैं, तो ये दोनों का नेचर कैसा हो गया, हेटरोजीनस हो गया। मतलब कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो भी होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने होंगे, इसलिए इसको हम हेटरोजीनस नेचर का टिश्यू बताएंगे। ओके, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम की बात करते हैं। तो जाइलम की बात करोगे तो ये फोर टाइप ऑफ सेल्स के कम्बिनेशन से बना होता है, जिसमें फोर टाइप ऑफ सेल्स में आपको पता ही होगा, या नहीं है तो यहाँ सुनिए, जिसमें कि ट्रैकेट्स, पहला सेल्स का नाम क्या हो गया, ट्रैकेट्स, दूसरा नाम हो गया वेसल्स, वेसल्स, थर्ड में चलोगे तो जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, और नंबर फोर में जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की बात करेंगे। इन चारों सेल्स के बारे में हम डिटेल देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात और देख लीजिए जाइलम के बारे में, कि जाइलम चूंकि कंडक्टिव टिश्यू है तो इसका मतलब कि ये किसी न किसी सब्सटेंस को कंडक्ट करेगा। तो ऐसे भी ध्यान में आपको रखना है कि ज से जाइलम होता है और ज से जल होता है, इसका मतलब कि ये वाटर का कंडक्शन तो करेगा ही, साथ साथ मिनरल का भी कंडक्शन करेगा, वाटर का कंडक्शन करेगा, मिनरल का कंडक्शन करेगा इसके साथ साथ। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा है, लेकिन इसेंशियल है कि आप जब मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते हो तो उसमें एमाई टाइप का अमाइनो एसिड की बात करते हो, जिसमें कि ग्लूटामीन और एस्पारजीन नाम का अमाइनो एसिड होता है। तो जो भी अमाइनो एसिड होता है वो ऑर्गेनिक फूड के रूप में जाना जाता है, वो जाइलम वेसल्स के द्वारा कंडक्ट होता है। इसलिए इसके साथ जोड़ देना पड़ेगा आपको सब ऑर्गेनिक फूड, सब ऑर्गेनिक फूड का भी एक कंडक्शन करता है, ठीक है। अब बात रही कि डायरेक्शन इसका क्या होता है, जाइलम के द्वारा जो वाटर मिनरल और सब ऑर्गेनिक फूड का कंडक्शन हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो वाटर को ऑब्जॉर्व करता है सॉइल से, और सॉइल से ऑब्जॉर्व करके प्लांट के अपेक्स तक पहुंचाता है। इसका मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा जाइलम के द्वारा वाटर का कंडक्शन, मिनरल का कंडक्शन, वो यूनि डायरेक्शनल होगा। ओके, अब बात रही, ये सब तो जाइलम से रिलेटेड कुछ सम पॉइंट्स हो गए, अब इनके सेल्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट में चलोगे ट्रैकेट्स, ठीक है। तो ट्रैकेट्स में चलोगे तो सबसे पहले ध्यान देना एवोल्यूशन के बेसिस पे, एवोल्यूशन के बेसिस पे चलोगे तो जैसे प्लांट किंगडम को बांटते हो आप क्रिप्टोगैम्स एंड फैनेरोगैम्स में, क्रिप्टोगैम्स में वैसा प्लांट आता है जिसमें कि फ्लावर सीड नहीं बनते हैं, फैनेरोगैम्स में वैसा प्लांट आता है जिसमें फ्लावर सीड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वास्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन किस ग्रुप से हुआ है, तो ग्रुप से बताने से पहले एक बात और ध्यान कर लें कि क्रिप्टोगैम्स को फर्दर थ्री सब ग्रुप में बांटा गया है डेवलपमेंट के बेसिस पे, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बोलिए तो और बेहतर है, जिसमें कि पहला थैलोफाइटा है जिसमें एल्गी आता है,
ब्रायोफाइटा है जिसमें रिक्सिया, फ्यूनेरिया ये सब आ जाते हैं। तीसरा है टेरिडोफाइटा जिसमें टेरिस, टेरिडियम, सिलेजनेला, इक्विसेटम ये सब आते हैं। इसी तरह से फेनेरोगैम्स को दो सब ग्रुप में बांटा गया है जिसमें एक जिम्नोस्पर्म है, दूसरा एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म जिसके कि नेकेड ओव्यूल होते हैं तो उनके एग्जाम्पल के रूप में साइकस्पाइनस जनरल एग्जाम्पल हो जाता है। एंजियोस्पर्म तो आसपास में बहुत सारे देखते ही हो गए जिसमें कि मोनोकॉट के रूप में वीक पैडिंग में ये सब की बात कर सकते हो, डाइकॉट के रूप में मैंगो, नीम इत्यादि की बात कर सकते हो। तो अब बात रही, ये तो थोड़ा सा प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड करके बता दिया क्योंकि कोरिलेशन आने वाला है। तो ट्रेकिड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस हुआ है टेरिडोफाइट्स प्लांट में, मतलब कि वास्कुलर टिश्यू यदि किसी प्लांट में सबसे पहले नेचर ने बनाया है तो वो किसने बनाया है, टेरिडोफाइट्स ग्रुप के प्लांट में बनाया है। ओके, तो इस तरह से यदि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट वास्कुलर प्लांट कौन सा है तो आपको टेरिडोफाइटा बताना पड़ेगा। ओके, अब एक बात और ध्यान में रखना है कि जिसमें भी ये जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है या जाइलम फ्लोएम मिल रहा है वैसे प्लांट को हम ट्रैकियोफाइट्स प्लांट भी बोलेंगे, मतलब कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों में चूंकि वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तो वास्कुलर टिश्यू कंटेनिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं, ट्रैकियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ट्रैकियोफाइट्स प्लांट जो भी हो गया उसमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, इसमें वास्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस मिलेगा। अब ट्रैकिड की बात करते हैं तो देखो ट्रैकिड के सेल्स जो होते हैं ये नॉन लिविंग होगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म इत्यादि नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है, थिक वॉल्ड होगा क्योंकि इस पे प्राइमरी सेल वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है इसलिए लिग्निफाइड भी बोलोगे, लिग्निफाइड होगा, नॉन लिविंग होगा, थिक वॉल्ड होगा और लिग्निफाइड होगा। अब इसके बाद देखोगे इसके सेल को तो इसका जो सेल होता है जनरली इस तरह से देखोगे इसका जो अपर पॉइंट होता है अपर एंड वो टैपर्ड होता है, इस तरह से थोड़ा सा पॉइंटेड होगा, टैपर्ड एंड होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी इस तरह का फिगर बना करके इस पर इस तरह से कुछ रिंग लाइक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन को दिखा दिया होगा, इसलिए इस फिगर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ऐसे जो रिंग लाइक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है इसको एनुलर टाइप के नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलोगे, एनुलर टाइप के नाम से जानेंगे, बट एनसीईआरटी एनुलर टाइप नहीं बताया है, मैं एक्स्ट्रा बता दिया हूँ। अब इसी तरह से एक और फिगर बनाया होगा इस तरह से बना करके जिसपे कि देखोगे कि इस तरह से छोटे नहीं बल्कि ब्रॉड साइज का डिपोजिशन ऑफ पीट को दिखा दिया है तो इसको बॉर्डर्ड पीट कहते हैं, बॉर्डर्ड पीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, बॉर्डर्ड पीट, इसका नाम हो गया बॉर्डर्ड पीट इस स्ट्रक्चर को। ओके, तो इस तरह से ये दोनों फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हालांकि डिपोजिशन और भी कई टाइप से होते हैं जिसमें स्पाइरल टाइप का हो जाएगा, स्कैलरी फॉर्म टाइप का हो जाएगा, रेटिकुलेट हो जाएगा, सिंपल पीटेड हो जाएगा, बट यहाँ पे ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में बस इसी दोनों को मेंशन करा है, इसलिए इन दोनों फिगर को ध्यान में रखिएगा। इसका देखो जो टैपर्ड इंड है वो प्रेजेंट है, जैसे मान लो कि ये पेन है, पेन का इस पार्ट को कट कर देते, इस पार्ट को कट कर देते तो ये ट्यूब लाइक बन जाता, लेकिन इसमें ट्यूब लाइक के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन पीट का फॉर्मेशन होता है जब डिपोजिशन लिग्निन का होता है ना, तो उस समय इसके सेल वॉल को देखोगे इस तरह से सेल वॉल को बना दिया, इस तरह से लिग्निन का डिपोजिशन होता जा रहा है, लिग्निन का डिपोजिशन होता जा रहा है, तो बीच में एक कौन सा जहां अनडिपोजिटेड पार्ट है उसको क्या कह लोगे, पीट के नाम से जानेंगे। हालांकि पीट भी पढ़ोगे तो दो टाइप का होगा, सिंपल पीट, बॉर्डर पीट, हालांकि और भी टाइप बना सकते हो, हाफ बॉर्डर पीट, पीट इस तरह से कई टाइप का होता है, लेकिन आपको उतना ज़्यादा दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो डिपोजिशन लिग्निन का डिपोजिशन है, लिग्निन डिपोजिशन है यहाँ पे, तो लिग्निन डिपोजिशन होने के समय जिस जो पार्ट अनडिपोजिटेड पार्ट रह गया उसी को पीट कर दिए। तो जैसे देखो यहाँ पे एक
और एक दूसरा सेल है, यहाँ डिपोजिशन लिग्निन का हुआ है, यहाँ डिपोजिशन का लिग्निन का हुआ है, इधर भी डिपोजिशन लिग्निन का है, इधर भी डिपोजिशन लिग्निन का है, लेकिन यहाँ तो अनडिपोजिटेड पार्ट है, यहाँ भी अनडिपोजिटेड पार्ट है। तो वाटर का जो कंडक्शन होगा इस सेल में, जो केवल पीट के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में होगा, तो कह सकते हो कि स्लो कंडक्शन है, इसमें स्लो कंडक्शन होगा वाटर का, क्योंकि पीट के द्वारा हो रही है ना, इसलिए स्लो मूवमेंट होगी। यहाँ पे देख रहे हो पीट के द्वारा मूवमेंट दिखाया है फिगर में। ओके, अब इसका जो लीमेन थोड़ा होता है वो ब्रॉड ही होता है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होने के कारण थोड़ा छोटा तो होगा, रिड्यूस तो होगा, लेकिन रेस्पेक्ट में बात करा जाए बेसल्स का तो थोड़ा इसका लीमेन भी ब्रॉड होता है, एनसीईआरटी भी लिख रखा है। अब बात रही कि यह ट्रैकेट्स मिलता कहाँ है, तो ट्रैकेट्स देखो, ट्रैकेट्स से टेरिडोफाइट्स में भी मिलेगा, टेरिडोफाइट्स में मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में भी मिलेगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी मिलेगा, ये तीनों में मिलेगा। बट ध्यान में रखना है आपको कि मेन कंडक्टिव टिश्यू किसका बन रहा है, तो मेन कंडक्टिव टिश्यू ये दोनों का बनता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मेन कंडक्टिव टिश्यू है। क्यों मेन कंडक्टिव टिश्यू इसको बोल रहे हैं, मेन कंडक्टिव टिश्यू जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का बोलने का कारण बन रहा है कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, इसलिए मेन कंडक्टिव टिश्यू इसको कहा गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हो गई किससे रिलेटेड, तो ट्रैकेट से रिलेटेड हो गई। अब मैं बात करूंगा वेसल से रिलेटेड, तो देखो इसको रब कर लेते हैं, आप लोग मेंशन कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट में देखते हैं वेसल्स के बारे में, दूसरा सेल जो इसका है जाइलम का वो वेसल है, तो वेसल में चलोगे तो इसका इसके भी जो सेल होंगे नॉन लिविंग ही होंगे, लिग्निफाइड ही होगा, और लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, इसका मतलब कैसा हो गया, थीक वाल्ड हो गया है, थीक वाल्ड हो गया। अब इसका भी इसका जो सेल होगा वो तो नॉन लिविंग होगा ही, लेकिन इसका इंड वाल्ड जो होगा इस तरह से ऑब्लिकली अरेंज होगा, देखो फिगर इस तरह से बना दिया, आपका एनसीईआरटी भी इस तरह का फिगर कुछ बनाया होगा कि इंड वाल्व इसका कैसा होगा, ऑब्लिकली अरेंज होगा, ए इंड वाल्व होगा, ए भी इंड वाल्व है, जैसे ए इंड वाल्व है दूसरे इंड का इंड वाल्व है, तो इंड वाल्व कैसा हो अरेंज है, इंड वाल्व अरेंज ऑब्लिटरेटेड नहीं बच्चों बल्कि ऑब्लिकली है, ऑब्लिक्वली, ठीक है, ऑब्लिटरेटेड तो था किसमें, ये आपका ट्रैकेट्स में, लेकिन यहां पे कैसा है, तो इंड वाल इसका ऑब्लिकली अरेंज, थोड़ा तिरछा लग रहा होगा, इसमें देख रहे हो कि बहुत सारे पोर बनाए गए हैं, तो जब मेनी पोर प्रेजेंट हो जाता है इंड वाल पे, तो इंड वाल को परफोरेटेड इंड वाल भी बोल सकते हो, इंड वाल ऑब्लिकली अरेंज्ड एंड परफोरेटेड होगा, एंड परफोरेटेड का मतलब हैज मेनी पोर दोनों इंड वाल पे प्रेजेंट होगा, इस तरह से मेनी पोर, जैसे अभी ट्रैकेट्स में बताया था कि ये जो इसका इंड वाल है प्रेजेंट होता है जिसके कारण पीट के द्वारा कंडक्शन होती है, दोनों साइड में इंड वाल प्रेजेंट था ट्रैकेट वाले में, लेकिन यहाँ के दोनों इंड में देखो पोर बन गया, इसमें छेद कर दो इस तरह से बहुत सारा, इधर भी कर दो, तो वाटर का कंडक्शन बड़ी आसानी से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, इसमें पीट के द्वारा वाटर का कंडक्शन ना होकर के डायरेक्ट परफोरेटेड इंड वाल के द्वारा होगा, इसका मतलब कि इसमें जो मूवमेंट होगा थोड़ा फास्ट होगा, इसलिए बताया जाता है कि फाइलोजेनेटिकली मतलब कि एवोल्यूशनरी बेसिस, ये कैसा हो गया एवोल्यूशनरी बेसिस, ओके, एंड दूसरा टर्म इसमें देखोगे एंड फिजियोलॉजिकली मतलब फंक्शन के बेसिस पे, फाइलोजेनेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली
मोर एडवांस सेल माना गया है देन द ट्रैकिड, मोर एडवांस एडवांस देन ट्रैकिड, ठीक है। ट्रैकिड के रेस्पेक्ट में यहां पे बताया गया है क्योंकि ट्रैकिड को नेचर ने पहले बनाया था जिसके कारण उसमें कंडक्शन जो वाटर की हो रही थी स्लो हो रही थी, इसको बाद में बनाया क्योंकि इसका बेसल्स की उपस्थिति किसमें मिलता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। डेवलपमेंट के बेसिस पे देखोगे तो टेडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म डेवलप करा है, उसके बाद एंजियोस्पर्म डेवलप करा है। इसका मतलब हो रहा है कि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है बेसल्स तो ये लास्ट में बना होगा, जो नेचर ने इसको बाद में बनाया होगा, तो बाद में बनाया तो कुछ बेहतर बनाया। किसके रेस्पेक्ट में? ट्रैकेट के रेस्पेक्ट में। बेहतर किस तरह से? क्योंकि यहाँ पे इंड वाल पे पोर बना दिया, परफोरेशन बना दिया, जिसके कारण वाटर का कंडक्शन क्या हो गया? फास्ट हो गया। इस तरह से बोल सकते हो बाद में बना तो फाइलोजेनेटिकली, और चूंकि वाटर का कंडक्शन फास्ट हो रही है इसलिए मोर एडवांस फिजियोलॉजिकली भी बोला गया। ओके, अब ये मिलेगा किसमें? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलेगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में केवल मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। मेन कंडक्टिव टिश्यू यदि पूछा जाएगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का तो इसी को बताओगे, वेसल्स को ही बताओगे। ओके, अब बात रही नोट में एक दो पॉइंट बता देता हूँ कि ट्रैकिड जो होता है चूंकि नॉन लिविंग है और वेसल्स भी नॉन लिविंग है तो स्वाभाविक है कि किसी ना किसी लिविंग सेल्स के डेथ एंड लिग्निफिकेशन से बना होगा, जैसे स्टेनकाइमा में बन रहा था। तो ट्रैकिड्स में ध्यान रखोगे कि ये पैरेन्काइमेटस सेल्स के डेथ एंड लिग्निफिकेशन से बनता है, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स के किसके कारण बनेगा? डेथ एंड लिग्निफिकेशन के कारण। ओके, लेकिन यदि वेसल्स की बात करोगे तो ये मेरिस्टमैटिक सेल के डेथ एंड लिग्निफिकेशन के कारण बनता है। ये किसके डेथ लिग्निफिकेशन? मेरिस्टमैटिक सेल के डेथ एंड लिग्निफिकेशन के कारण बनता है, एंड लिग्निफिकेशन के कारण बनता है। ओके, अब हालांकि जैसे आपने लिग्निन का डिपोजिशन ट्रैकिड पे मैं बता रहा था, एनुलर टाइप रिंग लाइक बॉर्डर पीटर टाइप दो फिगर बनाया था, उसी तरह से इसमें भी दर्शाया होगा एनसीईआरटी में कि इसके भी बाल में बॉर्डर पीटेड टाइप प्रेजेंट होता है लिग्निन का डिपोजिशन। केवल एक ही टाइप का बताया, बट होता है और भी टाइप का, सिंपल पीटेड भी होगा, ये तो बॉर्डर पीटेड यहाँ दिखाया, बट सिंपल पीटेड भी होगा, एनुलर टाइप भी होगा, स्पाइरल टाइप भी होगा, रेटिकुलर टाइप भी होगा, स्कैलिफॉर्म टाइप भी होगा, कई टाइप का बनता है, बट आपको यही ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, अब ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिसमें वेसल्स एब्सेंट मिलता है, वेसल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल्स का डेवलपमेंट हो गया है, कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें वेसल्स का डेवलपमेंट हो गया है, तो वो एक्सेप्शनल कंडीशन है, उसको एग्जांपल को लर्न करना होता है। जैसे देखोगे आप बेसल लेस एंजियोस्पर्म की बात करोगे तो बेसल लेस एंजियोस्पर्म में चलोगे तो ट्राइकोडेंड्रॉन टेट्रासेंट्रॉन ये सब प्लांट का नाम है, डाइकॉट प्लांट है। ये सब कैसा प्लांट है? डाइकॉट प्लांट है ये दोनों, इसमें बेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसी तरह से कुछ मोनोकॉट में युक्का, अगेब, अलोई ये सब भी में बेसल प्रेजेंट नहीं होता, ट्रैकिड प्रेजेंट होता, बट ये सब मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है। इसी तरह से देखोगे जिम्नोस्पर्म विद वेसल मतलब वैसा जिम्नोस्पर्म जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होगा, तो इसमें देखोगे तो ड्रेसिना इसमें नहीं आएगा, इसमें कौन आएगा? वेलविस्टिचिया आएगा। ओके, वेलविस्टिचिया इसको पढ़ोगे। इसी तरह से देखोगे इन टेडोफाइट्स विद वेसल में देखोगे तो एग्जांपल सिलजनेला, इक्विसेटम,
इक्विसेटम, टेरिस, टेरिडियम, इटीसी, ए सब आ जाते हैं। देखो इसमें जिम्नोस्पर्म विद बेसल्स में एक नेटम भी लिख सकते हो, गनेटम ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेकिन पढ़ोगे नेटम। इफेडरा भी एक प्लांट है, इसको भी इंक्लूड करोगे जिम्नोस्पर्म विद बेसल्स में। तो ये सब एग्जांपल बन गए एक्सेप्शनल कंडीशन का। तो ये बात हो गई किससे रिलेटेड, वेसल से रिलेटेड। अब इसके बाद देख लेते हैं दो सेल और बच गया है, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो देखो जाइलम फाइबर की बात करें, जाइलम फाइबर यहां पे हम बात करते हैं तीसरा सेल के रूप में जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर की बात करोगे तो वेरी सिंपल, ये भी नॉन लिविंग होगा, थिक वॉल्ड होगा और लिग्निफाइड होगा। मतलब कि तीन सेल अभी जो पढ़े हो तीनों का कैरेक्टर एक जैसा मिल रहा है। इसके बीच सेल को देखोगे तो इस तरह से, चूंकि फाइबर है तो फाइबर लाइक ही होगा इस तरह से। इसके भी इंड वॉल कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे, टैपर्ड होगा, पॉइंटेड को ही तो कहते हैं टैपर्ड इंड वॉल, टैपर्ड इंड वॉल, ठीक है। इधर भी वही पॉइंटेड या टैपर्ड इंड वॉल, ओके। लेकिन इस पे लिग्निन का डिपोजिशन तो कंटिन्यूअस होगा इस तरह से, बीच बीच में पीट को दिखा दिया लेकिन कंटिन्यूअस ही लिग्निन का डिपोजिशन इस तरह से रहेगा, ओके। लिग्निन का जो डिपोजिशन रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा, इवेंटली रहेगा, जिसके कारण इसका ल्यूमेन कैसा हो जाएगा, ऑब्लिटरेट हो जाएगा, ऑब्लिटरेट मतलब रिड्यूस्ड हो जाएगा, ओके। ल्यूमेन इसका रिड्यूस्ड हो जाएगा। और कुछ सेल जो इसके होते हैं वो जैसे देखो बीच में सेप्टा नहीं मिल रहा है, तो इसको ऐसे सेल को असेप्टेट के नाम से जानेंगे, विदाउट सेप्टा, विदाउट सेप्टा। इस सेल में अभी सेप्टा आपको नहीं दिख रहा होगा बीच बीच में, लेकिन कुछ सेल होते हैं सेप्टेट भी होते हैं। तो सेप्टेट है तो विद सेप्टा की बात करोगे तो सेप्टा कैसे प्रेजेंट होगा। तो देखो ये जो लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है वही लिग्निन का डिपोजिशन इस तरह से भी होता चला जाए, तो लग रहा है ना कि बीच में सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, तो ये सेप्टेट हो गया। जब सेप्टा बन जाएगा तो सेप्टेट हो गया, और बिना सेप्टा का रहेगा तो असेप्टेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब बात रही चूंकि ये नॉन लिविंग है तो इसका काम क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, चूंकि लिग्निन का डिपोजिशन भी हो गया है तो ये फंक्शन के रूप में देखोगे तो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब इसके बाद चलोगे तो इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट में देखना है कि यह भी किसी ना किसी सेल के डेथ लिग्निफिकेशन से ही बना होगा, तो इसके लिए पैरेन्काइमेटस और मेरिस्टमैटिक सेल दोनों इन्वॉल्व होंगे, कोई एक सेल नहीं बल्कि दोनों सेल इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और इससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पाया जाएगा कहाँ, तो फाउंड इन ऑल वास्कुलर प्लांट, ये ध्यान में रखोगे कि सभी वास्कुलर प्लांट में मिलेगा, मतलब टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब जगह ये मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट में चलोगे तो नंबर फोर में तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा का कंडीशन। तो जाइलम पैरेन्काइमा इससे अपोजिट होता है, चूंकि पैरेन्काइमा आ गया ना, पैरेन्काइमा का कैरेक्टर इंक्लूड होगा इसमें, इसका मतलब कि ये लिविंग होगा, थिन वॉल्ड होगा और नॉन लिग्निफाइड होगा, नॉन लिग्निफाइड होगा, ओके। अब इसके बाद देखोगे इसके सेल्स भी इसी तरह से फाइबर लाइक बने होते हैं, इसके भी इंड पॉइंटेड होते हैं, टैपर्ड होते हैं, लेकिन इसमें प्रोटोप्लाज्म भरा पड़ा होता है, ठीक है। इधर भी पॉइंटेड या टैपर्ड इंड वॉल है लेकिन इसमें प्रोटोप्लाज्म भरा रहेगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी होगा, और इसके साथ साथ इसमें स्टोर्ड होता है स्टार्च एंड फैट। इस तरह से देखो हम यहाँ पे किसको बना दिया है, स्टार्च को, और यहाँ पे किसको दर्शा दिया है, फैट को। इस सेल में जाइलम पैरेन्काइमा के सेल में जब पूछा जाएगा कि स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में क्या होता है, तो केवल प्रोटीन नहीं होता है जबकि स्टार्च और फैट होता है। एक फंक्शन इसका और होता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में मदद करता है, ए रेडियल कंडक्शन ऑफ
कंडक्शन ऑफ वाटर में मदद करता है। अब रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर क्या है उसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे ही सेक्शन काटोगे आप रूट या स्टेम का, तो सेंटर में होता है पीथ, तो पीथ के सेल तक यहां इन जगह के सभी सेल्स इधर कोर्टेक्स से वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करवाता है पीथ तक चारों डायरेक्शन से। तो ऐसे कंडक्शन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के नाम से जाने जाते हैं। बाहर में कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स से वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ कंजंक्टिव टिश्यू होता है मेडुलरी वे, जिस जो कि पैरेन्काइमा का ही बना रहता है, इसी का जाइलम पैरेन्काइमा का, तो वो क्या करता है कि रेडियल कंडक्शन चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल को कंडक्ट करवाता है कहाँ तक, पीथ तक, मतलब रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में मदद हेल्प करता है। अब इसके बाद देखोगे ये भी कहाँ मिलेगा, तो ये भी ऑल वास्कुलर प्लांट में मिलेगा, वास्कुलर प्लांट। ओके, इतना सारा कैरेक्टर जो देखा आपने वो जाइलम से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लोएम दिखेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।